अजम इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं मुहिम है, एक सियासी माफिया से मुतनाज़े बनाना चाहता है। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालत निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील देगा तो मजीद इंतशार होगा। डिजिटल दहशतगर्द और खारजी दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं, बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडा के पेश नज़र हम तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डिस इंफॉर्मेशन के इल्जामात, पुलिस ने रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा, कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली। पार्टी सेक्रेटेरिएट पुलिस का छापा, रकिन असेंबली के बयान हल्फी हथियाने के लिए था। पीटीआई कायदीन की जानब से पुलिस कार्रवाई की मजम्मत, उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई से ज्यादा मुहिब वतन और कोई नहीं। मुखालिफी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं किया, रऊफ हसन की रिहाई के लिए हर मुमकिन कानूनी जंग लड़ी जाएगी। और वजीर आजम से वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर इत्तलाआत अता तारड़ और अटर्नी जनरल की मुलाकात, मखसूस नशस्तों के पीटीआई को अलॉटमेंट और नजरसानी अपील पर मुशावरत, पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुताल्लिक कानूनी निकात पर तबादला ख्याल।